जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आपके घर से बरकत जा चुकी है, मतलब पैसे तो आते हैं पर जितने भी आते हैं वो तुरंत चले जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है, एक बार नहीं बार बार ऐसा कई दिनों से हो रहा है, तो कुछ दोष हैं। उन दोषों को आप खुद अपने निजी फ्री में, मतलब आप खुद थोड़े से उपाय करेंगे, थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे, अपने आप उन दोषों को ख़त्म कर सकते हैं दोस्तों। तो इस पूरे वीडियो को आप देखें ताकि ये जो परेशानी है इससे आप बाहर आ सकते हैं, क्योंकि धन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस दुनिया में चलाने के लिए। बहुत से लोगों पर बेवजह कर्जा हो चुका है, बहुत से लोगों का व्यापार सही नहीं चल रहा है, रोजगार में उन्नति नहीं हो पा रही है। मतलब धन जो है हमारा, हम काम भी बहुत करते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, पर धन जो है वो उस हिसाब से आता भी नहीं, और जो थोड़ा बहुत आता भी वो भी तुरंत चले जाता है। तो कुछ दोष हैं, कुछ कारण हैं, वो पहले तो मैं कारण अभी कोई स्टूडियो में बताऊंगा, इसके साथ साथ उन कारणों का हल क्या है, मतलब इन दोषों से हम बचे कैसे, ये भी इससे बाहर कैसे आ सके ताकि हमारे पास धन भी आए, माँ लक्ष्मी का वास हो और ये सब चीज़ें हम कर सकें। तो वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण बात बताने से पहले एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमेशा इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। और बहुत स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं, उसका शुल्क उसका फीस लागू है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपनी कमेंट्स में एक राय जरूर अपनी लिखना दोस्तों। सबसे पहली बात है कि अगर आपको इस तरह की चीज़ें आ रही तो आपके यहाँ पितृदोष जरूर है। पितृदोष के निवारण के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अभी पितृमोक्ष अमावस आएगी, पितृ श्राद्ध पक्ष आएंगे, इसमें रोज गीता का पाठ करना है आपको। रोज गीता का पाठ करने से पितृदोष में हमें बहुत शांति मिलती है और ये चीज़ें आप उससे बाहर आ सकते हैं। ये पितृदोष का निवारण बता दें। दूसरा है दरिद्रता के लिए जो हमारे घर में अनुपयोगी चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत से कबाड़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, हमारे घर को समय समय पर रंग रोगन करना, समय समय पर साफ स्वच्छता जरूर रखना, क्योंकि इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और जहाँ दरिद्रता का वास होता है वहाँ पर कभी भी लक्ष्मी नहीं आती और वहाँ पर व्यक्ति रोगी होता है, अशुभ लक्ष्मी आती है, व्यक्ति को टेंशन शुरू हो जाता है और कई सारी परेशानियाँ क्रिएट हो जाती है। तो हमेशा इस चीज़ का विशेष ध्यान हमें देना है। तीसरा पॉइंट होता है कि अपने जीवन में शुक्रवार का व्रत रखें। शुक्रवार का व्रत रखने के साथ साथ उस दिन श्री सूक्त का पाठ करें आप, उससे आपके घर में कभी भी लक्ष्मी माता की कमी नहीं होगी, मतलब धन आर्थिक रूप से आता रहेगा। इसमें एक और बात है कि घर में महिलाओं का सम्मान विशेष रूप से करें, कोई नशा ना करें, मांस का सेवन अगर आप करते हैं और मदिरा का सेवन करते हैं वो भी त्यागें, क्योंकि इससे भी हमारे कई सारे घर नेगेटिव वे में जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा आप अतिरिक्त जो खर्चा है, जो है जबरन का खर्चा, उससे बचें दोस्तों। तो इन सभी चीज़ों से आपको फ़ायदा मिल सकता है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।